शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के वंजारी नगर परिसर में तड़ीपार आरोपी शाहरुख को शराब उतारने पर मना करने पर शेख परिवार पर शाहरुख द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। एक तरफ शहर में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया है, जगह जगह पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त होने के बावजूद इस तरह की वारदातें शहर में सरेआम होते दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये लोग 3 दिन पहले मेरे आदमी ने ये लोग दारू उतार रहे थे, तो उन लोगों को समझा कि रमजान महीना है, यहाँ पे दारू नहीं उतारते, और ये बच्चे को तुम लोग है तो दारू में मत मुलविस करो, ये किसी और का बच्चा है, उनको समझाए। तो 3 दिन के बाद ये लोग ने आके और डायरेक्ट मेरे शोहर के ऊपर चढ़ाई कर दी, हाथापाई कर दी, मेरे को घर में से निकाल के मारे, और मेरे शोहर बीच में आए तो मेरे शोहर को भी शाहरुख, सलमान और उसके भाई मोहसिन ने खूब मारे और मेरे जेठ को भी मारे। और उन लोग को जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, वहाँ से पुलिस ने उनको लेके गए चेक के लिए दवाखाने में, दवाखाने लेके गए, हम लोग दवाखाने उनको देखने के लिए गए। यहाँ मेरी सास और मेरी जिठानी थी, वो दोनों अंदर खाना खा रहे थे, इतने में और शाहरुख और उसके 2-3 जो गुंडे लोगों को लेकर वो चारों साथियों को लेकर रहता, वो 4 लड़के लोग आए, चारों ने आके दरवाज़ा तोड़ दिया और उन लोग को अंदर से खूब गंदी गंदी गाली देने लगे। ये लोग अंदर खाना खा रहे थे और तलवार निकाले थे ये छोटे छोटे बच्चों, और मेरे घर से तो 80,000 रुपया और मेरे जेवर, मेरा हार है, मेरा मंगलसूत्र है, मेरे कान के और 3 अंगूठी है मेरी। पुलिस वालों ने आए तो पुलिस वालों ने देखे, पुलिस वालों ने पूछे कि ये अलमारी ऐसी लॉक थी या खुली हुई थी। मेरा इधर का एक बाजू का पट लॉक रहता था और एक खुला रहता, वो लोग ने वीडियो लिए लेकिन वो लोग ने कुछ भी बोले नहीं। FIR हम लोग ने पहले ही करा दिए थे और उसके बाद अभी तो फिर जाके हम लोग ने बोले तो पुलिस लोग ने बोले तुम खामोश रहो, बोले हम बाद में कार्रवाई करेंगे, और एक पुलिस वाले को हमारे सामने तैनात कर दिए कि वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग नंगी नंगी गाली दे रहे और पीछे के दरवाजे से आ रहे मेरे को मारने के लिए। देखो मेरे को खींच के मारे, पुलिस के आने के बाद भी इस तरीके से मुझे मेरे घर में से निकाल के मारा जा रहा है। एक आम औरत अपने घर में बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं ये बच्चों की दादी, यहाँ पे बच्चों को लेके खाना खा रही थी, मैं सिर्फ पानी, मेरे हाथ में गिलास था पानी पीने बैठी, शाहरुख ऐसा जोर से आया, उसके साथ में ढांचे बांध बांध के 2 जने आए, मैं पानी का गिलास पानी के हाथ में, बच्चों का हमारा शोरी जैसे जोर से इन्होंने दरवाज़ा ढक लिया, कुंडी धूप आरी करके मैंने दरवाज़ा लगाई, दरवाजे को सब तोड़ताड़, हमारी चीख मची, हमारा खाना भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे मेडिकल में पड़े हुए, ये बड़ी बहू बच्चे को दूध पिला रही थी, 3-4 बच्चे यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, मेरा बर्तन का ऐसे ऐसे तलवार सीधे सीधे तलवार, ये बुड्ढी कुटले बोलते मेरे गले पर ऐसी तलवार रख दे रही, इसको ये करो बोलता। पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं बोले, हम आए ना भाई, एक ही आया था पहले पुलिस वाला, बाद में 3-4 जने आए तो ये कुछ भी नहीं, ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं बोल रही है हमारी जान जाने के बाद तुम ये कर रहे क्या? एक शाहरुख था और एक दूसरा कौन था, एक मोहसिन, क्या है उसका नाम, ये बड़े वाला गुलाम यासिन था, और एक उसके साथ में दूसरा कौन था, क्या मन ढांचे बांध बांध के 2 जने मुंह को धड़ा धड़ा से दरवाजा मारे रहे। रात को पुलिस रहेंगी क्या, बोले ऐसा बोल रहे हैं उन लोग, गंदी गंदी गाली बकरा, मेरे को बुड्ढी जैसी माँ, मेरे को दादी जैसी ये कर रहे हैं, मेरे को गंदा गंदा बोल रहे हैं वो बच्चे।